भी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। तलेगांव बाड़ी तालुका फुलमरी जिला औरंगाबाद, यहाँ पर 9 जोड़ों का निकाह एक साथ में पढ़ा गया है। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आने वाले तमाम मेहमानों का तलेगांव बाड़ी की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है और तमाम दुल्हा दुल्हन को मुबारकबाद तलेगांव न्यूज़ की जानिब से। देखते रहे तलेगांव न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे तलेगांव न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ के? तो जंजाला, जंजाला के नौशे में अभी तशरीफ ला चुके माशाल्लाह। इनका दूसरा नंबर लगा है, लेकिन दूसरे नंबर के लिए कोई इनाम नहीं था, तीसरा नंबर लगा है। तो हम वक्त से पहले पहुंच रहे, बहुत अच्छी बात है। उनके जिम्मेदार है बाप, उनको जल्द अज जल्द यहाँ पर लाने की कोशिश करें। हम किसी के बार बार ऐलान नहीं किया जाएगा, 12 महीने के बाद अगर जो नौशा लास्ट में आएगा फिर उसकी अब की कार्रवाई रोक कर जुमा के बाद लगाई जाएगी। स्टेज पर सिवाय बनू मिया के कोई उसके साथी न रहे। वकील एक दावत नामा एक साहब ने मुझे भेजा, जो दावत नामे पे जो एक दावत नामे पे खर्च आया है तो वो 125 रुपए का एक रुपया है, ऐसे 10 लाख रुपया उसने रुक के छपाने पे डाल दिया है। क्या करेंगे? कुरान ये कह रहा है इन्नल मुबज़िरीना कानू इख्वाना शयातीन, फजूल खर्च करने वाले शैतान के भाई है। जितना उसने रुपये पे लगा दिया है उतना ये इज्तिमा शादियां पूरी 200 के करीब हो जा रही है। तो ये एक अच्छा अकदाम है, अब ये अकदाम भी शुरू कीजिए। देना भाई की बेटी पुण्य करना और ये रस्म रिवाज को खत्म करना, वरना हरियाणा मेवात में तो लेना देना इतना हो रहा है कि फॉर्चुनर गाड़ी होना बरकत वाला है वो लिखा जिसमें अल्लाह जिसमें कम खर्च होता है। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आप हजरात को, तलेगांव बाड़ी के कमेटी हजरात को और मेम्बरान को, मस्जिद वाली जमात को और तमाम आने वाले मेहमानों को के अल्लाह ताला ने आपको बरकत से इतनी शादियां लगाई है। और इन नौजवान दुल्हों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस पर आमादी का इजहार किया और इज्तिमाई उकूद में अपने निकाह को शामिल किया। दुआ है अल्लाह के जात आली से, अल्लाह ताला इन जोड़ों के जरिए से दुनिया में नेक मुत्तकी और साले औलाद का वजूद फरमाए और अल्लाह करोड़ों रहमतें इन उरूसी जोड़ों पे नाजिल फरमाए और आने वालों पर भी अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल। खामगांव और बाड़ी यहाँ के जो नौजवान साथी है ये सब मेजबान है, ये सब खिदमत में लगेंगे। पहली सब में मतलब पहला जो मजलिस बैठेंगे यहाँ के कोई भी साथी, वो बुजुर्ग साथी हो या नौजवान साथी हो, वो बिल्कुल ना बैठे बल्कि हम खिदमत में लग जाए। दूसरा ऐलान ये है कि खलील सेठ औरंगाबाद इनकी तरफ से तमाम दुल्हनों को एक एक कुरान शरीफ दिया गया है और हाजी इस्माइल खान बाड़ी वाले जो फिलहाल बेरीबाग औरंगाबाद में रहते हैं इनकी तरफ से तमाम दुल्हनों को कुरान की पेटी दी गई है। और इसी तरह से हाफिज जावेद खान हाजी यूसुफ सेठ औरंगाबाद वाले इनकी तरफ से तमाम दुल्हनों के लिए एक एक मुसल्ला और एक एक तस्बीह जो है तो बतौर हदिया दी गई है। और एक नंबर पर जो नौशे आए थे यहाँ पर स्टेज पर ऐलान किया गया था मोइन खान गफ्फार खान जो है तो हजरत के हाथ से उस नौशे को जो है तो 501 रुपया इनाम दिया जा रहा है। रोड पर वहाँ पर जुमा की नमाज 1:45 पर रहेंगी यानी 2:45 और बाड़ी जामा मस्जिद के अंदर जुमा की नमाज 2:30 इंशाल्लाह खड़ी होंगी। आप लोग इत्मीनान से वक्त के जो है तो इत्मीनान से खाना वगैरह खाएं और अपने जो है तो मामला को पूरा करें। दूसरा ऐलान ये है कि अभी मदरसे शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो 22 तारीख से पीर के दिन से मदरसा हजरत उस्मान बिन अफ्फान रिधोड़ा
यहाँ पर तीसरा तालीमी साल अलहमदुल्ला हमारा शुरू हो रहा है, तो पीर के दिन से हमारे पास बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं। तो जो भी नज़दीक के लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाना चाहते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो पीर के दिन अपने बच्चों को पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड की जिराक्स के साथ वहाँ पर लेकर पहुँचे और उनका एडमिशन कराए। एडमिशन वहाँ पर खाने पीने के रहने के साथ इंतज़ाम भी है, लेकिन इसके अलावा एक सहूलत ये भी है कि जो लोग अपने बच्चों को रोज़ाना लाकर छोड़ सकते हैं और शाम में लेकर आ सकते हैं, ऐसे लोग भी अपने बच्चों को डाल सकते हैं। मतलब वो सिर्फ दिन भर तालीम हासिल करेंगे, एक टाइम वो खाना खाएंगे, लेकिन क्याम उनका घर पर रहेगा। अगर ऐसे कुछ लोग ख्वाहिशमंद है तो वो भी डाल सकते हैं। गरीब बच्चों के लिए जो ज़कात के मुस्तहिक है, इनके लिए तो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एडमिशन फीस और किताब वगैरह की रकम देना। लेकिन जो साहिब इस्तेदाद लोग हैं, मालदार लोग हैं, अल्लाह ने जिन्हें नवाजा है, वो अगर अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो उनके लिए तालीमी फीस और खाने की फीस 500 रुपये महीना यानी साल के 6000 रुपये रखी गई है, और अपडाउन वाले जो बच्चे रहेंगे उनके लिए 300 रुपये फीस है। तो पीर के दिन से इंशाल्लाह मदरसा शुरू हो रहा है, जो हजरात अपने बच्चों को दाखिल करा सकते हैं, करीब का मदरसा है। दूसरी एक सहूलत ये है कि हफ्ते में मतलब 15 दिन में उन बच्चों को आप एक दिन की छुट्टी पर ले जा सकते हैं। कपड़े वगैरह धोने का हमारा वॉशिंग मशीन के जरिए से इंतज़ाम है और CCTV कैमरे के जरिए से निगरानी है। ये सारी चीज़ें अलहमदिल्ला सहूलत के साथ मौजूद है। अल्लाह जो है तो आप हजरात को सही समझ देता फरमाए। इधर मुतवज्जे रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو فرمائی الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینة عرشه و مداد کلماته اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و سلم اللہم انا نسألک الجنة و نعوذ بک من النار یا خالق الجنة والنار برحمتك یا عزیز یا غفار یا کریم یا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بار اللهم اجرنا من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطایاں سے درگزر فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ ان عروسی جوڑوں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما ان جوڑوں کو اپنی مرضی
मिलाद पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन जोड़ों के जरिए से दुनिया में खूबसूरत नेक सीरत औलाद सालेह का वजूद फरमा। पूरे दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह पूरे दुनिया के मुसलमानों की मदद फरमा। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को हिदायत अता फरमा। इस मुल्क में अमन अमान का माहौल कायम फरमा। इस मुल्क के लिए बेहतरीन और अच्छे हाकिम अता फरमा। या अल्लाह पूरे आने वाले मजमे को कबूल फरमा। इस इज्तिमाई उकूद के बरकतों से हमारी मगफिरत फरमा। या रब सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क कुल्लिहिम इन अल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल लदीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। दरमियान में जो चटाई बैठने के लिए बिछाई गई थी जो छोटी चटाई है उनको उठा ले। साथी अभी खाने के लिए ना बैठे। अस्सलाम वालेकुम। तो इंसान को तमाम लोग से नीचे आ रहे भाई। क्या खिदमत वाले साथी तमाम साथी खिदमत में लग जाए। जो नौशे हजरात स्टेज पर है वो अपने दोस्त अहबाब से मिलने के लिए नीचे आ जाए।